गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल गणेश चतुर्थी है तो हम इससे रिलेटेड मैं आपको तोरण बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, आप कोई भी कलर का ले सकते हो, मैंने पर्पल लिया है। तो क्या करना है, आपको पहले से फ्लावर बनाएंगे अब, तो 10x10 करके स्केल से आप मेज़र करके ले सकते हो, 10 से 10 इधर से 10, मतलब 10 होना चाहिए स्क्वायर शेप में। फिर आपको क्या करना है, ऐसे इसको फोल्ड करना है, फोल्ड कर लिया आपने, ऐसे करके फोल्ड करना है आपको। फिर क्या करना है आपको, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे कर लिया आपने। फिर इसके बाद क्या करोगे, आप पेन से इसको मार्क करोगे और हमें इसका फ्लावर बनाना है। क्या बनाना है, फ्लावर बनाना है, हो गया। अब इसको कट करेंगे हम, तो आप देख सकते हो ये हमारा फ्लावर कुछ इस तरीके का। फिर आपको क्या करना है, बीच से कट करके इसको पेस्ट करना है ऐसे करके। तो मैंने फ्लावर्स बना रखे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये बनाया है। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, फ्लावर को शेप देना है। तो आप स्केल की कैची की मदद से या स्केल की मदद से इसको आप ऐसे शेप दे सकते हो ताकि ये थोड़ा फ्लावर लगे। फिर आपको क्या करना है, ऐसे फ्लावर ले लिया आपने, ऐसे करके दो फ्लावर्स लेने हैं आपको, इनको कुछ इस तरीके से आपको पेस्ट करना है। आप अंदर चाहो तो कुछ भी पेस्ट लगा सकते हो, कोई भी डॉट हो गया या कुछ भी। अब तो देख सकते हो आप, फिर स्टोन्स कुछ भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम ऐसे कोन टाइप बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है ऐसे शेप में, ऐसे, और इसको क्या करना है आपको, मैंने 7x7 मतलब यहाँ से भी 7 और इधर से भी 7 मतलब इक्वल होना चाहिए, और आप कुछ इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करोगे। तो जब आपने फोल्ड किया तो आप क्या करोगे, फिर जैसे आप ये देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा को आप कट कर सकते हो। तो आपका कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, कुछ इस तरीके से। तो हमने वो बना लिया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना है, उसको ट्रायंगल शेप में हमें कट करना है। तो आप स्केल की मदद से उसे ट्रायंगल शेप दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसको कट करना है, आप किसी बड़े की मदद ले सकते हो या खुद भी कट कर सकते हो। आपको इसको कुछ इस तरीके से कट करना है। फिर आपको क्या करना है, इस पर्पल शीट को इस पे पेस्ट करना है, कट कर आपको कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट करना है। अब हम नेक्स्ट इस पे सब चीज़ पेस्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, सुई लेना है, उसमें वाइट कलर का धागा लेना है, उसमें कुछ स्टोन्स घुसाने हैं। मैंने यहाँ पे 4 स्टोन्स लिए हैं, 1, 2, 3 and 4, ये हमारा स्टोन्स हमने लगा दिया। अब हमने जो ये कीप कोन बनाया था, इसके अंदर से कुछ इस तरीके से सुई को निकालना है और आपका कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनेगा। ऐसे करके आपको सातों में, हमने 7 कोन्स बनाए थे तो सातों में ऐसे करके आपको डिज़ाइन बनाना है। अब हम इसको इस पे पेस्ट करेंगे और अपना तोरण कंप्लीट करेंगे। फिर आपको ये जो ट्राइंगल है इसको पीछे करना है और उसकी तरफ इसको पेस्ट करते जाना है। सातों को आप पेस्ट करोगे इस पे, मैं आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ। ऐसे फर्स्ट यहाँ पे बीच में सेंटर में, फिर सेकंड यहाँ पे, फिर थर्ड यहाँ पे, फिर फोर्थ यहाँ पे, ऐसे करके मतलब ज़िगज़ैग अप एंड डाउन करना है। आप देख सकते हो मैंने इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट किया है। अब जो इसका फ्लावर है हम उसको पेस्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आपको सीधे सीधे इसको पेस्ट करना है जैसे मैं पेस्ट करूँगी, सेकेंड यहाँ पे और थर्ड ये यहाँ पे। आपका ये तोरण कंप्लीट हो गया है।
आप चाहो तो इसको घर में भी यहाँ पे हैंगिंग एक धागा लटका के इसको घर में डेकोरेट कर सकते हो घर को। थैंक यू।